जज यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ है 18 जुलाई को, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं, तो मैं उनसे अपना वीडियो बनाया हूँ। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर वो है डायनमो का कार्य बताओ। तो डायनमो का कार्य बताओ, तो डायनमो क्या कार्य करता है? डायनमो एक ऐसा मशीन होता है जो कि जनरेटर की भांति होता है, जनरेटर की तरह कार्य करता है, मतलब कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु के दिए हुए आयतन में जितना द्रव्यमान या भार होता है और उतने ही आयतन के जल में जितना द्रव्यमान होता है उसके अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं? मतलब वस्तु द्वारा वस्तु के दिए हुए आयतन में जितना द्रव्यमान होता है या और उतने ही आयतन के जल में जितना द्रव्यमान होता है, तो उन दोनों के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है और कुछ नहीं होता है। और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती है। आप लोग जानते ही हैं विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे सूर्य की ऊर्जा द्वारा खत्म किया जा सकता है, मतलब कि सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की ऊर्जा है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है परमाणु रिएक्टर किसे कहते हैं? परमाणु रिएक्टर यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें परमाणु विखंडन से बहुत ही बड़ी मात्रा में परमाणु शक्ति पैदा होती है, और इसका प्रयोग अनुसंधान कार्य के लिए तथा रेडियो आइसोटोप्स के निर्माण में किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर तो जानते ही हैं कि परमाणु शक्ति पैदा करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है वो है, पित्त कहाँ पर इकट्ठा होता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो पित्त कहाँ पर इकट्ठा होता है? ये यकृत में इकट्ठा होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, मम्स किसके द्वारा पैदा होती है? तो मम्स वायरस के द्वारा पैदा होती है। और इसके बाद एक बात ये देख लीजिए कि अगर आप लोग सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर जो ग्रुप चल रहा है, तो आप इस लिंक पर जाएं और यहाँ से डायरेक्ट आप इस लिंक को खोलें और ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। वहाँ पर कई सारे एग्जाम्स के लिए तैयारियाँ कराई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो, आईफिल टावर कहाँ पर है? आईफिल टावर आप लोग जानते ही हैं पेरिस में है, और आईफिल टावर की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई कितनी है? तो यह ऊंचाई 984 फीट ऊंची मीनार है, मतलब कि इसकी ऊंचाई 984 फीट है। इसके बाद का जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो सारनाथ आप लोग जानते ही होंगे क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश दिए थे। तो यह वाराणसी के निकट बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, क्योंकि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। और इसके बाद जो क्वेश्चन था, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर आप लोगों को मेरे जो जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उन सभी के PDF चाहिए, तो आप लोग इस लिंक पर जा सकते हैं। इसे गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर यही दिखाई देगा, इच्छा सेंटर ऑफ इंग्लिश के ऊपर। आप चाहे तो यहाँ से PDF ले सकते हैं। और आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन था वो, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? ये इतिहास से उठा लिया गया है क्वेश्चन। और अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया,
वो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो उम्र सीमा है वो 30 वर्ष होना जरूरी है। इसके बाद का जो क्वेश्चन पूछा गया वो यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165.537 मतलब 5537 किमी है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यह यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और इसके बाद जो पूछा गया वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य संख्या जो है वो 404 है, जिसमें से 403 तो चुनाव द्वारा होता है एक तरह से, और इसके बाद एक जो है वो मनोनीत किया जाता है। इसके बाद चलिए देख, इसके बाद जो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है, वाल्व लगा कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो वाल्व जानते ही होंगे कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था उसमें वाल्व का प्रयोग किया गया था, और उस समय जो कंप्यूटर बना हुआ था वो बहुत ही बड़े आकार का कंप्यूटर बना हुआ था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो कंप्यूटर से पूछा गया वो है सीडी रोम का फुल फॉर्म बताओ। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है सीडी रीड ओनली मेमोरी, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद पूछा गया एक्सेल से ही पूछा गया, एक्सेल एमएस एक्सेल से स्प्रेड शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? तो स्प्रेड शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? तो रो एंड कॉलम से ही डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग मतलब जिसका भी इंटरव्यू हो जा रहा है वो लोग अपना क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय क्वेश्चंस बहुत कम मिल पा रहे हैं मुझे। आप लोग क्वेश्चन शेयर करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस को अपने वीडियो में ऐड करूंगा, और जिससे सभी लोगों को फायदा होगा। और ये देखिए, क्वेश्चन शेयर करने के लिए आप सेल्फ गाइड स्टडी से @gmail.com पर, मतलब कि ये जीमेल की आईडी है, तो इस पर आप भेज सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनका इंटरव्यू हो गया हो वो लोग। और इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है था वो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, जो कि 1830 ईस्वी में बनी हुई थी। इसके बाद का हिंदी में देखिए, हिंदी से रिलेटेड है क्वेश्चन, रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन में द्वंद्व समास है। हिंदी का क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये एग्जाम्स में सब जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी से ही क्वेश्चंस थे, और इसलिए हिंदी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसमें, और वो भी ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। ये अधिक से अधिक यही समास पूछा जा रहा है, या संधि पूछा जा रहा है, या पर्यायवाची पूछ लिया जा रहा है। ये देखिए, मुहावरा से संबंधित है ये अगला क्वेश्चन। तो रात दिन में देखिए द्वंद्व समास होता है। इसके बाद हाथ पीला होना का अर्थ बताओ। हाथ पीला होना का अर्थ जो होता है वो शादी होना होता है। और इसके बाद मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ का क्वेश्चन जो है मौसम बताना है, महत्तम समापवर्तक 25, 45 और 15 का महत्तम समापवर्तक बताओ। तो इसका महत्तम समापवर्तक 5 होगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो है ये भी महत्तम समापवर्तक ही बताना है, इसमें 14/33 और 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्तक बताओ। तो इसका महत्तम समापवर्तक जो है 7/330 होता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है कि ऊपर वाले जो अंश होता है ऊपर का, उसका मसा निकाल लेते हैं, और मतलब महत्तम समापवर्तक ऊपर अंश का निकाल लेते हैं, और बटे में जो हर होता है उस हर का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो इससे आपका ये आंसर आएगा 7/330। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कुछ गलत हो तो। और एक बात ये मैं जरूरी बात है, क्योंकि ये जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सब में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे मतलब कि दोहराया जा रहा है,
तो मैंने वैसा कोई भी क्वेश्चन अपने वीडियो में लिया नहीं है, क्योंकि जितने भी दोहराए हुए क्वेश्चन हैं वो सब मैंने अपने पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। इसलिए आप पहले का जो भी जितने भी वीडियोज हैं वो सारे वीडियोज आप जरूर देखें, क्योंकि उन सब से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट हैं। और चलिए आगे चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और ये देखिए ऊपर में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है www.youtube.com/selfguidestudycenter। आप इस लिंक को डालेंगे तो डायरेक्ट ये लिंक खुल कर आ जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।